हेलो गाइस, तो हम अभी नागनी माता मंदिर जा रहे हैं जो हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और ये मेन धर्मशाला से 52 किलोमीटर दूर है। जय नागनी माता। तो हम मेन गेट पर पहुंच गए हैं, यहां से आगे हम गाड़ी में जा सकते हैं, मंदिर तक गाड़ी पहुंच जाती है। वैसे तो गाड़ी बिल्कुल मंदिर तक पहुंच जाती है, पर आजकल सावन का महीना है इसलिए काफ़ी भीड़ है, इसलिए मंदिर से थोड़ा सा पहले यहाँ गाड़ियों की पार्किंग है जहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी का चार्ज 40 रुपीज़ है। तो आजकल मेले लगे हुए हैं, मेले की दुकानें, सावन महीने में मेला लगता है यहाँ पे हर बार। काफी दुकानें लगी हैं। भीड़ है मंदिर में और हम भी अब लाइन में लग गए दर्शन के लिए। तो दोस्तों, ये है नागनी माता मंदिर, जैसे भडवार माता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मान्यता है कि जो भी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति है, जिसको सांप ने काटा हुआ हो, वो यहाँ मंदिर परिसर से निकलने वाला पानी उसको हल्का सा पीने से और यहाँ की जो मंदिर परिसर की मिट्टी है, जैसे हम शक्कर कहते हैं माता का प्रसाद, उसका लेप लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। मिट्टी है जिसको शक्कर कहते हैं, उसकी मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति जो है तो इस मिट्टी का लेप करने से ठीक हो जाता है। और यहाँ पे जो ये पानी है, ये जमीन के नीचे से निकल रहा है, सपोर्ट से पीड़ित व्यक्ति जो है इस पानी से नहाने से ठीक हो जाता है। ये नेचुरल पानी। आ जाओ।